बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हमारी एक बुआ चली गई और ये दीदी सबको गिराने वाली थी लाइन से। आज बस गए दीदी ना, में गए थे हम, गए थे गए थे और दीदी बचाती कह रहे आज ज्योति भाभी को बर्थडे है। ज्योति को बर्थडे हमने तो इतने चल दिया उनको नहीं डाले तो भाभी को फोटो डाल के लिखना हैप्पी बर्थडे। कौन भाभी? इनको स्मिता भाभी। हैप्पी बर्थडे ज्योति। इतनी ताकी है बस और क्या, इतनी ताकी थी और क्या। सब देख रहे हैं हम अभी गाइस, भूवे की तारीफ कर रही थी। हाँ भूवा बोलो। गाइस भूवे एक बार बोल चुकी, फिर मैंने कैमरा ऑन किया है। भूवे बोलो क्या बोल रही थी। कितना शर्म आ रही है। सफाई करते थे और खाना को भी मंदिर भी आज भगवानों के अच्छे से पूजा भी करते थे। झूठ बोल रही है, यहाँ हमें बुआ लोग शेयर कर रही हैं कि वो मायके में ज्यादा क्यों नहीं रुक पाती। फूफा जी लोग क्या कहते हैं? अबे तो कहते हैं 8 दिन तो हम निकाल लेते हैं, अच्छे से निकल जाते हैं, फिर 2 दिन और मुश्किल से निकाल, फिर 12वें दिन तो हम ले भी है। क्या बात, ये बात है। क्या बात है, बता ही दिया अपनी मन की बात। इसलिए बुआ ज्यादा नहीं रुक पाती। हाँ, हम नहीं रहे 1 महीना तो हम रहे नहीं है। आजकल की बहुएं 1 महीना के लाने जाते हैं। अब तो रहे 1 महीना 2 महीना अपन नहीं आ पा। 15 दिन से क्या कर रही थी बुआ? कुछ कर रही थी, हमारे बात ही कलर बेहद थी। बुआ जो सभी ने हमें गिफ्ट में दी थी, सबके लिए बहुत पसंद आई वो साड़ी। ऐसी है कि उसमें कुछ भी फंस गया, आज हमारा चश्मा फंस गया। गिरने नहीं दिया चश्मा, गिर जाता फिर कुछ काम कोई नहीं है। आपने हमारी बुआ लुक कितनी मजेदार है। मजेदार है बहुत है। हमें मत लेना बेटे तो आओ तो सही। सभी है बहुत अच्छी सफाई करती है, झाड़ू पोछा कर लेती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है। और मम्मी बताओ, कल तुम जल रही थी हमसे। हम सासू माँ से मम्मा कह रहे थे। हाँ, मेरे से तो आज तक कह रहे थे, खुद यहाँ हमसे कहो मम्मा मम्मा नहीं, सास से बड़ी मम्मा कह रही थी। मम्मा है गाइस, आज हमारी बड़ी बौजी का बर्थडे है तो सब उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। मैंने भी कर दिया है। हम लोग रात में सब थक गए थे, नहीं तो 12 बजे उन्हें सरप्राइज देने जाते। अभी हमारी गाइस की तरफ से हैप्पी बर्थडे। किसकी साइड से? गाइस गाइस यूट्यूब की गाइस से। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू ज्योति। मैं छोटी बहन तो बहुत हूँ अभी, मैं बहुत इतने से बात करती है जोध में रह के। मैं सुबह जोध में देते थे, तू क्या कर रही? Two hours later. तो गाइस सुबह उठकर तो मैंने जो भी शूट किया था आपको बता ही दिया, मस्ती की थी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद हम लोग नहा धोकर मंदिर गए थे, फिर आके सबने खाना पीना खाया, उसके बाद बुआ लोगों ने सो भी लिया है। लेकिन ये सब मैं आपको बोलकर इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मेरे को मिस स्टोरीज को लो गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको खाली कर लिया, अब थोड़ा और करूंगी। फिलहाल हमारी दीदी घर वापस जा रही, तो हम उनकी विदाई कर रहे हैं। और गाइज अभी आपको कुछ टाइम पहले ये शिकायत मिलती थी कि फोन डिस हो गया, शूटिंग कर पाई, फोन डिस हो गई, शूटिंग कर पाई, तो मैंने पावर बैंक ले ली। अब आपको स्टोरेज का भी 2-3 बार से सुनने मिला, लेकिन मैं भी स्टोरेज का कोई बंदोबस्त करती हूँ, तो आपको अभी ये भी सुनने नहीं मिलेगा अगली बार से। ओके, लड़की ने मुझे डंडे से मार दिया था तो मैंने इसको डांट दिया है, तो इसलिए वहाँ जाके बैठी। किससे गुस्सा हो? अभी आप लोगों को नहीं जाने दे रहे। 2000 years later.
गाइस, तो मैं आपको काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ। पता है मैंने दिन भर से कुछ भी शूट नहीं किया है स्टोरेज की वजह से। तो गाइस अभी क्या हुआ था, इवनिंग में बुआ लोग चली गई थी, बुआ लोग घर पर रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी बुआ लोग कहीं चली गई, मतलब गाँव पर चली गई बुआ लोग मम्मी, तो अभी घर पर कोई नहीं है। जब तक 2-3 घंटे का ब्रेक था मैंने एक ब्लॉग अपलोड कर लिया, तो मेरे मतलब ब्लॉग एडिट कर लिया, तो मेरे फ़ोन में थोड़ा सा स्पेस हो गया है। तो अब फाइनली बुआ लोग आएंगे तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी। और फिलहाल मैं डूडू के साथ गाड़ी चला के मस्त डांस कर रही हूँ। उसका फेवरेट सॉन्ग है पिया पिया ओ पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया। बज रही पिया पिया की बैंड। गाइस हम लोगों ने डांस कर लिया है और हम लोगों ने पोहा खा लिया है। और गाइस आपको पता है मैंने स्ट्रीट टू तो देख ही लिया, बहुत शानदार मूवी, इतनी कॉमेडी है मैं इसको 2-3 बार देख सकती हूँ, इतनी अच्छी लगी थी मुझे। क्योंकि मुझे कॉमेडी मूवीज में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं खुद ही इतनी कॉमेडी करती रहती हूँ। तो और गाइस लेकिन उसमें ऐड था भेड़िया मूवी का, मतलब भेड़िया नहीं ज्वाइन हो जाती है ना कुछ मूवीज, तो मैंने लेकिन भेड़िया नहीं देखी थी, तो मैं अभी भेड़िया लगा कर देख रही हूँ ये कैसी है। मैंने सुना ये भी बहुत अच्छी है, तो आपको रिव्यू देती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस मूवी देखते देखते तो मुझे नींद आने लगी थी और 10 बज गए, मम्मी लोग तो अभी तक नहीं आए हैं, बुआ लोग मैं उनका वेट कर रही थी, सोच रही थी थोड़ी बुआ लोग से वीडियोस वगैरह कंटेंट वगैरह बनाऊंगी, मज़ा आएगा, फ्री थी अभी तो। बट अब मैं सोने जा रही हूँ गाइस, मिलती देखती आगे जो होता है बताऊँगी आपको। The next day. Hi guys, good morning. So sorry, रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया होगा, नहीं किया था, मिस हो गई थी। और आप यही सोच रहे होंगे इस ब्लॉग में क्या है यार ऐसा। अभी मैं उठ गई हूँ और मैंने नहा धो लिया है और अभी मैं बुआ लोगों को देखने जा रही हूँ, उन्हें भी नहा लिया होगा, तो आज मैं सबके साथ मंदिर जाने का सोच रही हूँ। तो चलो चलो, ये हमारी छोटी बुआ ने नहा लिया है, ये हमारी बीच वाली बुआ ने भी नहा लिया है, ये रेडी हो रही है, मेकअप कर ले जल्दी बुआ, मंदिर चले मंदिर चलो मंदिर आओ, हम आओ वीडियो बहुत तारीफ कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, बनाते उनको ही तो बोलना है सखी बुआ को, थैंक यू। हम हमारी तीनों बुआओं के साथ मंदिर जा रहे हैं, चलो बुआ लो। हमारे मंदिर और हमारी पूजा पूजा हो गई, अब हम फोटो वीडियो शूट करेंगे। ये तो अपने घर के हैं शंकर जी, दादी की निशानी है ना, घर में बड़े शेष नहीं रखी जाती मूर्तियां, इस चक्कर में दादी मंदिर में रख गई थी। हाँ तो बुआ लोगों ने पहचान ली है तो अपने भगवान। दादी हमारी बुआ की चोटी तो देखो कितनी बड़ी है, अरे बस जब वो इतने बड़े बार तो हमारे नहीं है। ये देखो बिना आदिवासी हेयर ऑयल के इनके बाल इतने अच्छे हैं। तो बुआ क्या लगाती हूँ बालों में? कुछ नहीं लगाती। अरे छुट्टी बड़े हैं कि नकली लगाए? नहीं नकली नहीं, हमारे भी है। अरे बुआ नकली लग रहे हैं। अरे कुछ भी घिसा दिया है तो जैसे खड़ी हो जैसे बिल्कुल अगर कोई नहीं डाल लो पैसा इतनी खुशी के एडवांस में वापस मंदिर ही हुए ठीक है, वापस नहीं लेंगे, खाली पर्स नहीं है बुआ। देखो हमने बेलपत्ती के पास कलश रखो है, हमने हमारी छोटी बहन ने पैसे डाल दिए है, हमारे पास में कम से कम 10,000 रुपया है। और क्या 10,000 है अभी एडवांस में, शादी में तो हमको कितने ज्यादा नहीं पता नहीं। ओह यार ये देखो हमारा एरिया, यहाँ पर बुआ ले रही है बनाना, देखो ठेले पर भी फोन पे आए, यहाँ ये बुआ पता नहीं किस चीज की दवाइयाँ लेने लगी है। खुशी देख, खुशी कैमरा देख के देख देख, ये हमारी बुआ बड़ी खुश हो रही है क्योंकि इनको गोपा जी लेने आ गए हैं,
खुशी देखो, खुशी खुशी देखो। बन रहा है खाना और हमारे फूफा जी आ गए, वो रूम में खाना खा रहे हैं। अभी हम आपको फूफा जी से मिलवाते हैं। हमारी बुआ से ज्यादा तो हमारे फूफा जी मजेदार है ना बुआ? मजेदार, उनकी भाषा सुनोगी तो मजा आ जाए। अभी सुनवाते हैं। चमचम खाने का स्टाइल और करेला। तो हमारा कार्टून बैठा हुआ है, आगे है रेडी होने के लिए। मैं उसको रेडी कर लेती हूँ। हमारी बुआ तो चली। अरे अरे बुआ, बाय बाय। तुम कहाँ जा रही हो? बुआ को नीचे छोड़ दे, छोटी बुआ हमारी जैसी। हम जा रहे हैं फूफा जी की विदा करने के लिए। ये सासू माँ रोल में मम्मी सुधी की तो भाभी एक्सटेंडर वाली नहीं हुई है। और हाई स्टैंडर्ड। चलो, अरे ले तो जय बैठ गई इंतजार में। इनको जो गमला ही गिर जाते हैं तो गमला है। तो आज ये चुका है नहीं है। कल गांव गए थे ना, हाँ, इसलिए जिम में नहीं पड़ा। मैं तो देरी गई थी ये। इसी को नाम भी बीटी हो इतने जल लग गई। हाँ अरे फूफा जी दुआ भी नहीं आई। हाँ फूफा जी की याद आ रही। देख मुस्कुराहट, देख कितनी मुस्कुरा रही। देख ऐसे फूफा जी से ज्यादा जल्दी पड़ी कौन रही थे क्या बैठी बहुत राजी बनी। अरे अबे तो मांग कर बोला किसे आदमी आता है। आवे वालो है पानी देखिए कितना पानी को मौसम हो रहा बुआ, नहीं तो गीली हो जाता बुआ। बुआ छोड़ दो नहीं गिर जा। जो जमाने है रोई तो नहीं यार सफाई करके गई तो गई कल आने गई। हमें कंटेंट बनाना है। बुआ से कह रहे हैं बुआ आपको ऐसा रोल करना पड़ेगा जिसमें बुरा बनना है। हमारी बुआ लोग बड़ी पॉजिटिव है। वायरल हो जाते खूब भी कॉमेडी करती दादी। ये गाइस हमारी दादी है, आपने ब्लॉग में नहीं देखी है। ये देखो जो बैठी हुई है, ये हमारी दादी पुराने जमाने की नहीं थी, एकदम हाई स्टैंडर्ड थी। इसलिए हमारी बुआ लोग भी देखो स्टैंडर्ड वाली है। सबकी सोच सबकी सब VIP है। कोई गौड़े छप वाला काम नहीं है, छोटी सोच वाला कोई नहीं, सब VIP है ना बुआ। बहुत हाई स्टैंडर्ड भी नहीं है, बहुत लो स्टैंडर्ड भी नहीं है, मीडियम वाले। सब में एडजस्ट होने वाली है। ये महारानियों की तरह सो रही है, इनको देखिए लोड मोड़ रख के। मैं तो देख रही सबकी लिपस्टिक लगने लगी है। अब कंटेंट बना जा रही है हमारी दोनों बुआ लोग। फिर मिलेंगे जल्दी, बाय बाय। तो पड़ोसी बुआ जाती हुई। हाँ हमारी बुआ जाती हुई छोड़ने। हमारी बुआ स्ट्रांग है, अकेली चली जाती है। हम सुपर स्ट्रांग है, भेज के देखो कहीं। गाइस तो अब सब लोग चले गए हैं, देखिए। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3 और बुआ लोग चली गई हैं। सभी चले गए हैं, दीदी बुआ सब पहुंच गए होंगे तो अपने अपने घर, मतलब ये बुआ पहुंचने वाली होंगी। अब मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैंने बुआ लोगों के लिए स्टार्ट किया था। कैसा लगा आपको इस ब्लॉग में? बुआ लोगों ने बहुत मस्ती की है, कॉमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो।